नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकीरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है इस पीसी बिल्डिंग सीरीज की फर्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि चिपसेट क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, और ये भी जानेंगे कि चिपसेट को कैसे चुना गया। तो यार, जब बात आती है पीसी बिल्डिंग की तो नॉर्मल यूजर सबसे पहले चुनता है सीपीयू और फिर रैम, देन एआईओ, देन केस। अगर कोई गेमर होगा तो वो चुनेगा जीपीयू। पर चिपसेट की तो बात ही नहीं होती है। तो आज हम जानेंगे कि चिपसेट को कैसे चूज किया जाए और अपने पीसी की परफॉर्मेंस कैसे एनहांस की जाए। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, हम देखते हैं अब चिपसेट होता क्या है। जैसे हमारी एक बॉडी है, उसके अंदर लगा होता है ब्रेड, वैसे ही मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है सीपीयू। जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है नर्वस सिस्टम जो के सारा डाटा ट्रांसफर करता है, वैसे ही मदरबोर्ड के अंदर चिपसेट लगा होता है, वो भी सारा डाटा ट्रांसफर का काम करता है। चिपसेट ही डिसाइड करता है एक मदरबोर्ड के अंदर कितनी पीसीआई एक्सप्रेस लेन्स होंगे, कितने साटा पोर्ट्स होंगे, कितने यूएसबी पोर्ट्स होंगे, कौन सी जनरेशन के होंगे, उनकी कितनी बफर स्पीड होगी, कितने मेगाहर्ट्ज पे रैम चलेगी, कितनी गीगाबाइट्स की हम रैम डाल सकते हैं, कौन सा सीपीयू डाल सकते हैं, ये सब चिपसेट ही डिसाइड करता है। चिपसेट हमारे मदरबोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं चिपसेट मदरबोर्ड के अंदर कहाँ लगा होता है। अगर आपने मदरबोर्ड को गौर से देखा होगा तो वहाँ पे बड़े बड़े थर्मल्स लगे होते हैं, चिपसेट बिल्कुल उनके नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिपसेट ने जो सारा डाटा है, जो सीपीयू से, रैम से, हार्ड ड्राइव से, एसएसडी से, साटा पोर्ट से, सभी डाटा को ट्रांसफर करना है, उनको मैनेज करना है, उन पर निगरानी रखनी है कि कौन सा डाटा किधर जाएगा, तो वो गर्म हो जाता है, इसलिए उनके ऊपर बड़े बड़े थर्मल्स लगाए जाते हैं, इसलिए वो छुप जाता है। तो आइए चिपसेट चूज करने से पहले उसकी नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर थोड़ी नजर डालिए। तो जब हम मार्केट में मदरबोर्ड चूज करने लगते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसके ऊपर कौन सी चिपसेट है? तो वो बिल्कुल उसके नाम के अंदर छिपा होता है। तो हम जानते हैं कि कैसे चिपसेट का पता लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम मान लेते हैं कि कोई मदरबोर्ड है जिसका नाम है X570 Aorus Pro। तो इसके अंदर जो X570 है वो चिपसेट का नाम है जो कि AMD बनाती है। तो ये जो चिपसेट है X570, ये AMD की तरफ से सबसे रीसेंट चिपसेट है और ये सबसे बढ़िया माना जाता है, और आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि एक यूजर को कैसे चिपसेट को चूज करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि चिपसेट को कैसे चूज किया जाए। तो लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर आता है बजट का। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको सबसे पहले अपने मदरबोर्ड का बजट सेट करना होगा, मदरबोर्ड का। जी हाँ, मदरबोर्ड, चिपसेट का नहीं, क्योंकि चिपसेट अलग से नहीं आता है, मदरबोर्ड के बीच में आता है। तो आपको एक स्पेसिफिक चिपसेट वाला मदरबोर्ड वो सिलेक्ट करना है और उसका बजट देखना है। अगर आपको एक स्पेसिफिक चिपसेट वाले मदरबोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक बजट रखना पड़ेगा। तो अगर आपकी पीसी बिल्ड का टोटल बजट है 1,00,000 रुपये, तो आपको 20,000 रुपये के करीब तक का मदरबोर्ड लेना पड़ेगा जो कि X570 चिपसेट या Z490 चिपसेट बढ़िया रहेगा। अगर आपका बजट है 50,000 रुपये के नीचे, तो आप 15,000 या उससे नीचे का मदरबोर्ड लेना चाहिए जो कि Z390 या फिर B550 अच्छा रहेगा। अगर आपका बजट टोटल पीसी बिल्डिंग का 50,000 रुपये से भी कम है, तो आपको 10,000 रुपये से नीचे का मदरबोर्ड ठीक रहेगा जो कि B450 या फिर Z370। सेकंड नंबर पे आता है इंटेल या AMD। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप AMD की तरफ जाना चाहते हैं या इंटेल की तरफ। अगर आपका काम है मल्टी थ्रेडिंग का, तो आपको AMD की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस, सिंगल कोर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, तो आप जा सकते हैं इंटेल की तरफ। फिर भी इंटेल और AMD की जंग चलती रहेगी, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर। थर्ड नंबर पे आता है ओवरक्लॉकिंग। आम यूजर को तो ओवरक्लॉकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप कंप्यूटर पे हाई एंड गेमिंग या हाई एंड परफॉर्मेंस वाला काम करते हो, तो
आपके लिए ओवरक्लॉकिंग मायने रखती है। तो जो मैंने चिपसेट्स बताए हैं Z490, Z390, Z370, B550, B450 एंड X570, ये सभी ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर आपने एक चिपसेट को चूज कर लिया है लेकिन उसके स्पेक्स के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आपको उसकी जानकारी लेनी चाहिए, आपको उसके स्पेक्स का जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको उसके स्पेक्स की जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करना चाहिए, जो भी आपके चिपसेट का नाम है उसे सर्च कीजिए, जैसे कि X570, उसके साथ लिखो ब्लॉक डायग्राम, X570 ब्लॉक डायग्राम। सर्च करने के बाद इमेज वाले सेक्शन पे जाइए, कोई भी इमेज खोलिए और उसके स्पेक्स पढ़ लीजिए, कितने PCI Express लेंस हैं, कितने SATA पोर्ट्स हैं, कितने USB पोर्ट्स हैं, कितनी रैम लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये सारे स्पेक्स हैं और आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर कितने एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। अगर आप सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं शायद ग्राफिक कार्ड लगाऊं, एक नहीं दो, अगर दो नहीं तो तीन, तो आपको पहले देखना चाहिए उसके स्पेक्स को कि क्या वो SLI या क्रॉसफायर को सपोर्ट करता है, क्या वो दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड को सपोर्ट करता है। आपको देखना चाहिए कि कितने एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, मैं उनमें क्या क्या लगा सकता हूँ। आपको फ्यूचर प्रूफ भी रहना पड़ेगा। अगर आपने मेरे पिछले 4 पॉइंट्स को फॉलो करके एक चिपसेट को चूज कर लिया है लेकिन आपको उसकी प्रोसेसर कंपैटिबिलिटी का नहीं पता है, तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी इंटेल और AMD की तरफ से पॉपुलर चिपसेट्स हैं उन सभी की कंपैटिबिलिटी लिस्ट के लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर हम इस चिपसेट के साथ लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद। ध्यान से मदरबोर्ड को देखा होगा तो जो बड़ा सा पार्ट, मोटा सा, ऊंचा सा होता है।